दोस्तों अगर आप भी शतरंज के खिलाड़ी हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर, उम्मीद है यह कहावत आप सबने बिल्कुल सुना होगा। अगर सुने हैं तो ऐसा ही कुछ इस कहावत पर खरे उतरे हैं 16 साल के शतरंज खिलाड़ी में ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद का मैच 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे और दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से था, जिससे हार कर फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX क्रिप्टो कप 2022 के रनर अप रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इनके छोटे से जीवन के बारे में, यह कैसे इतने बड़े मुकाम पर यहाँ पहुँचे। दोस्तों भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद का जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में हुआ था। इनके पिता रमेश बाबू बैंक के एक कर्मचारी हैं और उनकी माँ नागलक्ष्मी एक गृहिणी हैं। प्रज्ञानंद ने अपनी बड़ी बहन वैशाली से इंस्पायर होकर चेस खेलना शुरू कर दिए। मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि यह शतरंज खेलें, लेकिन अब वह प्रज्ञानंद की उपलब्धियों से बहुत खुश हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानानंद ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं और वह महज 10 साल की उम्र में शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर भी बन गए हैं। प्रज्ञानंद ने बहुत छोटे उम्र से ही चेस खेलना शुरू कर दिया था और 7 साल की उम्र में यह विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप जीत लिए थे। तो दोस्तों आपको प्रज्ञानानंद की उपलब्धियां कैसी लगीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इन उपलब्धियों से एक बार और यह साबित हो गया कि देखन में छूटन लगे घाव करें गंभीर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए न्यूज़ जस्टिफाई के साथ। थैंक यू सो मच।